सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं। तो आज और एक सेशंस आप सब लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो इसी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी हमने 4 क्लास दे चुका हो, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये 5th क्लास होने वाला है। और भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है सिलेबस के ऊपर से और अदर वेरियस टॉपिक के ऊपर से, स्टैटिक जीके से हमने लिया हुआ है। तो वो भी बोस ऑफ क्लास भी आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे माउंटेन एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, वो टॉपिक कवर करेंगे इस टॉपिक। और भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। इस तरह का क्लास इस तरह हर एग्जाम में एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जिस एग्जाम में स्टैटिक जीके आता है। तो सब लोग देख सकते हो इस तरह के क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम्पी के खंडहर किस ऐतिहासिक साम्राज्य से संबंधित है। यस, हम्पी के जो खंडहर थे, हम्पी की जो खंडहर थे भारत की कौन सी ऐतिहासिक साम्राज्य से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग ने देख लिया होगा। तीन ऑप्शन में से राइट आंसर का ऑप्शन है जो है विजयनगर साम्राज्य, जो थे लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम थे। विजयनगर साम्राज्य थे लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम। वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका की विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है कर्नाटका की, ठीक है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थे। वो भी याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम्पी के खंडहर बेसिकली विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है एंड वो बेसिकली लोकेटेड है कर्नाटका की विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से लोकेटेड है एंड वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार कौन सी है। यहाँ पे कहा जा रहा है ईंट की मीनार, ठीक है, ईंट से बनाया गया है जो दुनिया की सबसे ऊंची है, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है कौन सी है जो ईट से बनाया गया है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना। तो इन्हीं ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जो ऑप्शन से कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ऐसा है जो ईट से बनाया गया है एंड दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है जिसका हाइट ऑन एन एवरेज 72 मीटर्स, ऑन एन एवरेज 72 मीटर्स उसका हाइट है, ठीक है। जिसको जो कुतुब मीनार इसको स्टार्ट किया गया था बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था बेसिकली 1192 इस द्वारा स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एंड कंप्लीट किया था इसका जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक कंप्लीट किया गया था, ठीक है, जो कुतुब मीनार। तो वो साल भी आप सब लोग याद रख सकते हो 1192, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। लाल किले का निर्माण जो वर्तमान में कहां पर स्थित है, वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, ठीक है, वो लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था। देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसी तरह का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। अगर आप सब लोग स्टैटिक जीके के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो इसी चैनल पर हर तरह का क्लास मिल सकता है वेरियस टॉपिक के ऊपर। हम लोग अपकमिंग डेज में भी वेरियस टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या होगा देखिए, लाल किला का निर्माण बेसिकली शाहजहां द्वारा किया गया था, ठीक है, शाहजहां द्वारा किया गया था लाल किला का निर्माण। तो बेसिकली वो निर्माण किया गया था 1638 AD के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली किस द्वारा और किस लिए निर्माण किया गया था, जब कैपिटल शिफ्ट किया था उनके द्वारा, जब कैपिटल शिफ्ट किया गया था आगरा से दिल्ली, ठीक है, तब निर्माण किया गया था इसी का, लाल किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
क्वेश्चन नंबर थ्री, अजंता की गुफाएं किस धर्म की कहानी को दर्शाती है? अजंता की जो गुफाएं जो कहां पर स्थित है, हमने पहले बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पिछले क्लास में, तो अजंता की गुफाएं किस धर्म की कहानियों को दर्शाती है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सो बेसिकली अजंता की जो गुफाएं है, बेसिकली जो ऑप्शन डी बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती है, बौद्ध धर्म वो याद रखिए, बौद्ध धर्म की कहानी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, सेलुलर जेल जिसे हम सबको पता है काला पानी की जेल के नाम से भी, ठीक है, सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां पर स्थित है? तो वो बेसिकली सेलुलर जेल किसे दिया जाता है, जो रेवोल्यूशनरीज थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, उन्हें काला पानी का जेल दिया जाता था, ठीक है, जो अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट कार्य किया करते थे, उनको काला पानी का जेल दिया जाता था उस टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो जिसे हम जानते हैं काला पानी की जेल, वो कहां पर स्थित है? तो इन ऑप्शन में से कहां पर कौन से राइट आंसर होगा देखिए, तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, वहां पे काला पानी का जेल था। सो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे लोकेटेड है काला पानी जेल और सेलुलर जेल, वो लोकेटेड हुआ पर वो साथ में ये भी याद रखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिल्ली का लोह स्तंभ आप सब लोग को पता ही होगा कौन सा है, दिल्ली का लोह स्तंभ किस प्राकृतिक घटना के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का जो लोह स्तंभ थे, जिसको आयरन पिलर और लोह स्तंभ कहा जाता है, दिल्ली में जो स्थित है, वो उसे कौन सी प्राकृतिक घटना के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वो जो प्राकृतिक घटना घटित होता है उसके अगेंस्ट में जाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राकृतिक घटना को प्रतिरोध कर सकता है वो, इनमें से कौन सा है? उनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंग जो प्राकृतिक नियम से लोह के ऊपर पड़ते हैं बट उसके अगेंस्ट प्रतिरोध कर पाता है जो आयरन पिलर है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, जैन धर्म की जो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, वो बहुत ही फेमस है, किस लिए, कौन से धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ प्रसिद्ध है वो, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है, भारत के कौन से राज्यों में स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान पर स्थित है, दिलवारा मंदिर कहां पर स्थित है, राजस्थान पर स्थित है, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है, आप सब लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, जिसके वजह से आप सब लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में स्थित है, अमृतसर कहां पर है, पंजाब में, एंड पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, कौन सा यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, जो कहां पर है, ओडिशा के भुवनेश्वर में है, इनमें से कौन सा है देखिए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सो इनमें से राइट आंसर होगा, आप सब लोगों ने सोचा ही होगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड में लिस्ट आउट भी है, लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है? इनमें से कौन सा जो हुमायूं का मकबरा है वो बेसिकली रिलेटेड है हुमायूं की नाम से, वो कौन सा है? इनमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को नील रंग से रंगे घर के कारण ब्लू सिटी भी कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को, बेसिकली उस शहर की घर बेसिकली नील रंग से रंगा हुआ है, नील रंग से रंगे घर के लिए प्रसिद्ध है बहुत ही, एवं इस कारण से उसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तीन ऑप्शन में से आंसर होगा जो राजस्थान पे स्थित है, राजस्थान के एक शहर जोधपुर में। तीनों से आंसर होगा ऑप्शन से जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा ऐतिहासिक स्थल गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल थी? बिहार में कौन सी स्थल ऐसा है जो गौतम बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्ति की थी? ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने क्या प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की थी, इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, बुद्धगया, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी। तो यही थी आज की क्वेश्चन आंसर सेशन, होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा इस तरह का क्लास। अगर अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली लाइक एंड कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो और भी क्लास, इसी तरह का क्लास, इसी तरह बहुत सारे कंटेंट के टॉपिक के ऊपर हम लोग लेके आएंगे, जो बहुत ही आप लोग को हेल्प करने वाला है अपकमिंग एग्जाम में, जो कुछ भी एग्जाम देने वाले हो आप सब लोग। सो इस तरह का क्लास और भी देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।